नमस्कार दोस्तों। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मध्य प्रदेश शासन में वैकेंसीज़ यहाँ पर रिलीज़ कर दी गई। सबसे पहले आप सभी लोग ये जान लें, इस बार जो वैकेंसीज़ यहाँ पे जो रिलीज़ की गई, हेडिंग पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है कार्यालय कलेक्टर जिला खंडवा मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, कलेक्टर कार्यालय खंडवा जिले द्वारा ये वैकेंसी यहाँ पर आ चुकी हैं और विज्ञप्ति यहाँ पर जारी कर दी गई। अभी हाल ही में ये इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली आपको वेबसाइट पे प्रोवाइड कराई जा रही। दोस्तों, कौन सी इसमें पोस्ट यहाँ पे शामिल की गई, नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें आप पे कितनी है, क्वालिफिकेशन मीन्स योग्यता इसमें आप लोगों से क्या क्या मांगा जा रहा है अप्लाई करने के लिए, एज लिमिट, सैलरी पैकेज, सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आप सभी को इस वीडियो में मिलने वाली है। बिल्कुल यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे से बढ़ जाते हैं इन्फॉर्मेशन की ओर। तो दोस्तों देखिए, जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी जा रही, इसमें वैकेंसी टेबल में बताया जा रहा है कि संविदा पद का नाम, तो संविदा के आधार पर यह वैकेंसी रहेंगी। पोस्ट का नाम भी देख लें, कार्यालय सहायक सह डेटा एंट्री ऑपरेटर। तो दोस्तों, डेटा एंट्री ऑपरेटर की यह वैकेंसी है, क्लरिकल पोस्ट हम लोग उसको यहाँ पे बोल सकते हैं। मानदेय सैलरी पैकेज भी देख लीजिए, देखिए 22,770 रुपये, तो करीब करीब आप लोगों को 23,000 रुपये पर मंथ बेसिस पे ये आपको प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। कुल पद आप लोग देख लें, तो देखिए चार पद इसमें शामिल कर लिए गए। इसमें से अनरिजर्व के दोस्तों दो पद हैं, जिसमें एक पद ओपन मीन्स मेल कैंडिडेट के लिए, एक पद यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए रहेगा। इसके बाद अनुसूचित जनजाति, तो दोस्तों शेड्यूल ट्राइब के लिए एक पोस्ट है मेल कैंडिडेट के लिए, और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग मीन्स AWS कैंडिडेट के लिए भी एक पद इसमें शामिल कर लिया गया है। अब बात कर लेते हैं इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या योग्यता होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, योग्यता का कॉलम आपको जो है थर्ड नंबर का पॉइंट है, इसमें बता दिया गया कि आपको कार्यालय पत्र एवं कार्यालय कार्य को हिंदी एवं अंग्रेजी में टंकण करने की दक्षता, तो हिंदी और इंग्लिश जो है दोनों टाइपिंग आप लोगों को आना चाहिए। इसके बाद लिखा है डाटा फीडिंग के साथ जानकारी, तो डेटा फीडिंग जो रहती है इसका भी आपको यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। दस्तावेजों की स्कैनिंग, तो डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना भी आप लोगों को आना चाहिए। इसके बाद लिखा है MS ऑफिस तथा डेटाबेस सॉफ्टवेयर में कार्य करने का 3 साल का अनुभव, तो MS ऑफिस और डेटाबेस जो सॉफ्टवेयर रहता है तो उसमें 3 ईयर्स का आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस भी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता में आप लोग 12th क्लास पास होना उत्तीर्ण आप लोगों को बोला गया है, और न्यूनतम मीन्स मिनिमम जो टेक्निकल एजुकेशन चाहिए, CPCT परीक्षा भी आप लोगों को उत्तीर्ण होना जरूरी बोला गया है। इसके लिए दोस्तों आप लोगों को अप्लाई करना है, और अप्लाई जो है MP ऑनलाइन के पोर्टल के थ्रू आप लोग जो है इसको अप्लाई करेंगे। और दोस्तों ये फॉर्म भरना देखिए, 30 अगस्त से ये फॉर्म भरना पे शुरू हो चुके हैं, और 16 सितंबर 2022 इस डेट तक आप लोग ऑनलाइन प्रक्रिया मीन्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग इसके लिए फिल कर दें। और दोस्तों जो भी आपकी संविदा की जो अवधि है, 1 वर्ष के लिए रहने वाली है, मीन्स जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है 1 ईयर का यहाँ पर रहेगा। और लिखा है नियुक्ति के बाद नियुक्ति व्यक्ति को वार्षिक कार्य मूल्यांकन के आधार पर उपयुक्त होने की दशा में 1 वर्ष की सेवा वृद्धि की जा सकेगी, और बाद में इसको 1 साल भी आगे बढ़ाया जा सकता है, जैसा कि आप लोगों का परफॉर्मेंस इस पोस्ट के लिए रहेगा। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट, इसमें आपको क्या क्या चाहिए। तो अनरिजर्व वाले कैंडिडेट्स को 18 से 40 साल और शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब OBC शासकीय विभाग उपक्रम मंडल निशक्तजन महिला किसी भी कैटेगरी की हो, और एक्स सर्विसमैन आपको 18 से 45 वर्ष उम्र यहाँ पे रखी गई। इस डेट से एज का कैलकुलेशन किया जाएगा। और आप लोगों का सैलरी पैकेज भी देख लीजिए, 22,770 रुपये आपको पर मंथ बेसिस पे ये आप लोगों को सैलरी मिलेगी। तो दोस्तों यदि आपके पास क्वालिफिकेशन है तो बिल्कुल आप सभी लोग इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, और MP ऑनलाइन के थ्रू ही आप लोगों को इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, और मध्य प्रदेश शासन की हर वैकेंसी की जानकारी आगे भी चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब के रेड बटन को आप पे क्लिक करें, हर वैकेंसी का अपडेट इसी तरीके से आगे भी पाते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।